सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी पैक हो गए ना, देख सकते हो। स्विमिंग पूल से आने के बाद थोड़ा फ्रेश होके, मतलब एक छोटी सी प्रॉपर बाथिंग लेके, क्योंकि वो भी लेनी चाहिए स्विमिंग पूल के बाद। सीधा डैड कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए। प्रॉपर बाथिंग लेने के बाद मैं हो चुका हूँ हमारी ट्रेनिंग पार्ट के लिए। एंड ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट होगा आपका 11 बजे, अभी 8 बजे हैं 7, एंड आपका वो स्टार्ट होगा 11 बजे। तो उससे पहले सबको रूम देंगे एंड सब अपना फ्रेश अप होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वीडियो बनाएंगे, जैसे मैं अभी अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। एंड पीछे देख सकते हो, पीछे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जो आपको दिख रहा होगा। पीछे पूरी पहाड़ है, देखो पीछे पूरा पहाड़ है, पीछे पूरा। एंड आपके पास गाड़ी होगी, ये हमारे में एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में है, तो पूरा से पहाड़ टाइप दिख रहा है। एंड दिखाता हूँ मैं आपको भी। एंड ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा रूम, एंड ये हमारी मेन गेट से जो मैं आपका एंट्रेंस कराया था वो है। तो ये हमारे यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का वो है जहाँ पे हम आए। तो ये पूरा पीछे है आमोद, यहाँ का नाम है आमोद। तो आप अगर सर्च मारोगे नेट में भी पूरा फोन जाएगा। तो पीछे पूरे आम के पेड़ है, आपको आम भी आप लिखे होंगे, आम के पेड़ भी, एंड बहुत बढ़िया है। एंड ऑप्शन टूर है, टूर क्या ऑप्शन जर्नी है। एंड तो मैं ये बोलूँगा कि सब बंदे में स्विच करो, इतना बढ़िया है, घूमो फिरो, काम भी करो, बिजनेस भी करो, घूमो फिरो, सब होता है। एंड वहाँ देख लो, आपको दिखा होगा हमारी एंटी वहाँ से हुई थी, दिखा दो मैं भी आपको अगर दिख पाया तो। ये यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, नीचे हल्की सी चढ़ाई है, तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी आपको आज की और भी दिखाऊंगा वीडियोस, और भी लोग आप एंजॉय करना एंड अच्छे से देखना बिना स्किप किए। मिलते हैं थोड़ी देर में, फोन जाना इतना सोचते कि सर मैं फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लूँ ताकि फिर बाद में वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। मिलते हैं थोड़ी देर में। तक हमने आपको दिखाया था दिल्ली के ब्लॉग्स, दिखाए थे बहुत सारे, लेकिन आज हम आपको जो लेकर के आए हैं उत्तराखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज हम आपको उत्तराखंड की पहाड़ी आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम उत्तराखंड में आए हैं आज, वैसे तो हम एंजॉय करने के लिए आए थे, बट सोचा कि जब डेली ब्लॉग बनता है तो आज भी क्यों ना ब्लॉग बने। तो आज हम ये देखो, तो हेलो फ्रेंड्स, सो लोकेश आई बैक अगेन। हमारे बीच में है हमारी अलका मैम जी, जो आज ब्लॉग को थोड़ा सा होस्ट करेगी हमारे ब्लॉग को। सो मैम होस्ट करीजिए। देखिए वैसे तो मुझे ब्लॉग बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे थोड़ा सा काम दे ही दिया है तो मैं बताती हूँ। देखिए आज मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, तो कैमरे को मूव करो और दिखाएंगे। देखो आज हम जहाँ पे आए हुए हैं, ये जगह है हमारी जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में आए हैं। देखिए आज हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंटेन, देख रहे हैं कितना खुला वेदर है और इतना डिसेंट मौसम हो रहा है यहाँ पर। और आइए आपको दिखाते हैं आम। आम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट देखा नहीं होगा आपने आम का बगीचा। तो आइए आपको दिखाते हैं आम, इसमें लॉट्स ऑफ मैंगोस दिखाएंगे जो कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं आम के पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं, वो देखिए कितने सारे मैंगोस हैं, तो नीचे कितने सारे मैंगोस लटके हुए हैं। यहाँ पे पूरा पूरा आम का ही बगीचा है। ये आप देखेंगे आम है, लीची है, बहुत सारे आड़ू है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देखिए आप देख पा रहे हैं वो, देखिए 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 नीचे थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए 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 नीचे देखिए, ये है हाफूस वाले आम। आपको बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये हाफूस वाले आम है। और ये ऐसा मंजर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑलमोस्ट बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं इस मंजर को। और यहाँ पे चारों तरफ जो आप देखेंगे ना, इतनी हरियाली है, कोई फल ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। यहाँ पे आड़ू से खिन्नी से लेके जामुन और सारे के सारे पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद है। तो आगे का आप ब्लॉग बताएंगे आपको। सही, सो हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग शायरी बैक अगेन। देखा आपने हमारी अलका मैम जी को, उन्होंने इतना बड़े सा हॉस्ट किया, तो बहुत अच्छा हॉस्ट करती है। एंड पीछे देखो तो सीनरी, पीछे से नदी जा रही है, पीछे घोड़े खड़े हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये एक घोड़े खड़े हैं यहाँ पे आपको। ओ, पीछे खच्चर भी आ रहे हैं, नदी के सामने खच्चर भी है, खच्चर घोड़े के बच्चे खच्चर आ रहे हैं और आगे बड़ा घोड़ा आ रहा है। एंड आगे पे नदी जा रही है, एंड इतना बढ़िया नज़ारा आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखो स्काई, अपना ब्यूटीफुल स्काई। एंड बहुत बढ़िया मौसम है, बिंदास है, बिंदास माहौल है, एंड हम तो एंजॉय कर रहे हैं। एंड जो बंदा चाहता है एंजॉय करना, वो जल्दी से करे वेस्टीज ज्वाइन, क्योंकि वेस्टीज ऐसा बिजनेस है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। आम का पेड़ है, ये दिखाते हैं, आइए चलो अब हम आपको एक आम दिखाया था, हम आपको पास से जाकर के आम दिखाएंगे, हम आपको पास से आम ही आम दिखाई देंगे।
बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो ये आम का ही बगीचा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डांस करना पड़ता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे केचुए हैं एंड हमारी अब अलका जी को तो ऐसा डर लगता है केचुए से। देखिए आम देखो सामने, देखो आम देखो कितने अच्छे अच्छे आम है, देखो देख सकते हैं आम, देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं सामने। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल मैंगोज है। मैंने आपको और दिखाते हैं, अभी बहुत सारे मैंगोज हैं यहाँ पे, सभी ने तोड़े हैं और आपको दिखाएंगे। देखो देखो मैंगोज दिखाते हैं कहाँ पर है मैंगोज। अभी उस मैंगो ट्री पे जा गए थे हम लोग, वहाँ पे इतने सारे मैंगोज थे कि आप यहाँ पे भर भर के भी लेके जाएंगे तो भी यहाँ पे मैंगोज कम नहीं होंगे, तो आपको दूसरे मैंगो ट्री पे लेकर के चलते हैं। यहाँ पे हर तरफ मैंगो ही मैंगो दिखाई देंगे। सूज भी गंदे हो रहे हैं, यहाँ पे कीचड़ हो रखी है थोड़ी सी। अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ भी मैंगो से, ये देखिए ऊपर दिखाइए, देखो आड़ू लगे हुए, देखो आड़ू, देखो देखो पाम लगे हुए हैं, ये देखिए आड़ू, देखो ये आड़ू का पेड़ है, ये आड़ू लगे हुए हैं यहाँ पे। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी ऐसी खूबसूरती दिखा रहे हैं जो कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी खूबसूरती। ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर भी बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं, बट हमें एक एक को ढूंढ के आपको नहीं दिखा सकते, बहुत सारे छुपे रहते हैं। आपको पता है पत्तों के बीच में आम छुपे हुए होते हैं, तो वो देखिए सामने सामने तो फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े आम हैं सामने दिखाते हैं आपको। आज की लॉगिंग हम दोनों पार्टनर मिलकर कर रहे हैं, बढ़िया देखिए क्या बढ़िया आम है। ये देखो आम आपको मार्केट में भी नहीं मिलते होंगे, ये कहीं नहीं है मार्केट में, तो असली मैंगोस आप देख पा रहे हैं ना, ये मैंगो देखिए। देन उसके आगे देखेंगे, वो देखिए सामने भी कितने सारे मैंगोस लटके हुए, वो देखिए सारे मैंगो के पेड़ हैं, वो सामने देखो कितने सारे मैंगोस है, वो देखिए एक से सब मैंगो, सब मैंगो। तो मज़ा आ गया मैंगो, अब मैंगो खाएंगे यहाँ से जाके। अब हम तैसा करते हैं फोटो सेशन, फिर आपसे मिलेंगे सीधा थोड़ी देर बाद। अपना ध्यान रखना, सो टेक केयर सर। तो हेलो फ्रेंड्स, इट्स अ व्लॉगर शेरी बैक अगेन, आप देख सकते हो। एंड अभी जैसे मैं आपको दिखाया यहाँ पे नीचे का पूरा नज़ारा सीन दिखाया, पीछे के पहाड़ दिखाए, नदी दिखाई, एंड ये आपका हमारा ये बैक साइड में बैठने की जगह है, बीच में पार्क के बीचों बीच बैठने की जगह है। एंड ऐसे पत्ते वाले पेड़ हैं, एंड ये पता नहीं कौन सा पेड़ है जिसकी डंडी ऑलरेडी वाइट है। एंड और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक्चुअली अभी हमारा टाइम नहीं हुआ जाने का, एक्चुअली हमें यहाँ पे जाना है अब 11 बजे, तो अभी इससे हमारा टाइम हुआ नहीं है। तो सोचा को मैं यहाँ की चीज़ पहले एक्सप्लोर करा दूँ, क्योंकि फिर जो हमारी होगी ट्रेनिंग का पार्ट का थोड़ा सा दिखाऊँगा, फिर करके थोड़ा पार्ट दिखाऊँगा। तो देखो तो ये बड़े बड़े पानी वाले पत्थर पड़े हैं, एंड ये झूला है, ये पीछे भी झूला है, देखो बच्चे झूला झूले पीछे बच्ची। एंड बाकी आपको ये दिखाता हूँ, एंड ये देखो ये सबसे स्पेशल एरिया जो मैं आपको दिखाया था अभी इससे पहले, ये एरिया में आपके देखो पूरा का पूरा आपका ये है कि मतलब नीचे से नदी जा रही है, एंड वहाँ से कच्चे घोड़े सब जा रहे हैं। एंड ये आप देखो पीछे देखो लोग, देखो पीछे इतने सारे लोग आके फोटो सेशन, लोग इतने कर रहे हैं, लोग इतने फोटो सेशन। एंड देखो ये पीछे नदी दिखाता हूँ मैं, नदी ये देखो पीछे से जो नदी जा रही है वो है। तो बहुत अच्छी जगह है जिम कॉर्बेट, एंड वेस्टिज की तरफ से हम आए हैं, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बिंदास चकास शानदार लग रहा है। एंड तो चलो फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको यहाँ की जगहों के आता हूँ एक्सप्लोर, जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं कोई जगह के एक्सप्लोर कराऊँगा। एंड देखना बिल्कुल बिना सीख के देखना मिलता है में, तो मैं जाना ना सुटके। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोगे शहरी बैक अगेन, आप देख सकते हो आपका लोगे शहरी वापस आ चुका है। एंड जो हमें रूम दिए थे, रूम बेसिकली ऐसे दिए थे, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, देखो रूम ऐसे दिए थे, ये थे हमारा ग्राउंड फ्लोर एंड होता फर्स्ट फ्लोर, तो ऐसे सबको मतलब एक एक रूम दिए थे। एंड जो हमारा रूम है मैं आपको पूरा रूम आपको एक्सप्लोर कराया है, एंड रूम को अगर बाहर से दिखोगे, बाहर से रूम आपके ऐसे दिखेंगे, बाहर आपके ऐसे पेड़ लगे हैं, ऐसे ऐसा को दिखेंगे, ठीक है, ऐसे ब्यूटीफुल पेड़ लगे हैं। एंड जो जो अगर नीचे है, जिनका नीचे है उनका एंट्री ऐसे है, ये जिनका एंट्री है, एंड ये उनका फर्स्ट फ्लोर है। सो बहुत अच्छा है। एंड बाकी ये हम इस साइड गए थे अभी फ़ोटो वोटो लेने फोटो सेशन के लिए, एंड ये भी बहुत अच्छी जगह है। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी अब सीधा हमारी होगी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद सीधा आपको एक पार्ट दिखाऊंगा ट्रेनिंग का भी, एंड वो ट्रेनिंग का भी पार्ट बिल्कुल देखना। और मैं दिव्यांश और हमारी निर्मल मैम भी आ चुकी है, देखो तैयार होके, एंड हम वहाँ पे फोटो लेके सब वापस आ गए, तो मैम आ रही है। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी मुझे तुझे अपना ध्यान रखना। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शरीर बैक पे देख सकते हो, अभी हम तैयार हो गए हैं, एंड चाय वाय पी रहे हैं, एंड ट्रेनिंग से पहले एक बार चाय वाय होगी, फिर एक बार ब्रेकफास्ट होगा,
ब्रेकफास्ट के बाद फिर पूरा 11 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक पूरी होगी ट्रेनिंग लगातार। उसके बाद फिर शाम का ही ब्रेक होगा, फिर कल से वही सेम टाइम में जैसे मॉर्निंग में 10 to 6 ऐसे ट्रेनिंग होगी, फिर हम जाएंगे जंगल सफारी। तो बाकी बहुत बढ़िया चल रही है हमारी आज की, ये हमारा आज का सफर बढ़िया जा रहा है। एंड पीछे देखो तो पीछे पूरा लोग खत्म होकर हमारे दस्ट एजेंसी देखते हो, क्या देख सकते हो, ये पीछे पूरे हमारे रेस्टिडेंट्स हैं एंड टेस्ट हैं, आपको दिख रहा होगा। एंड बाकी चलो अब चाय पीते हैं, चाय पी के ब्रेकफास्ट करके आपको पूरा दिखाते हैं ब्रेकफास्ट अभी कि ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट दिखाएंगे, उसके बाद फिर शाम का जो भी हमारा सफ़र होगा वो भी आपको दिखाएंगे जर्नी। एंड जर्नी को देखना बिना सीख के मिलता है थोड़ी देर में, सोटे का जल्द ध्यान रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे ब्लॉगर शहरी बैक कर लिया, आप देख सकते हो अभी हम जस्ट जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड ब्रेकफास्ट में क्या था, पूरी था, आलू था ब्रेकफास्ट में, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आप मेरे पीछे कोई लाइन भी लगी पड़ी, पीछे कोई लाइन, एक्चुअली यही लाइन लगी पड़ी है। एंड ये जो देखो ना यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो रही है एंड ये कोई लाइन लगी पड़ी है। अभी सब अंदर जा रहे थे तो अंदर का भी मैं आपको दिखाऊँगा, छोटे मोटे क्लिप्स दिखाऊँगा, बाकी पूरा दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन छोटे मोटे भी क्लिप्स दिखाऊंगा। एंड सब अभी लाइन में खड़े हैं तो मैं सोचा कि ये बार ब्लॉग शूट कर दूँ, पैसे से मिलूंगा तो अपना ध्यान रखिएगा। एंड पापा मम्मी वो उधर खड़े हैं, तो पापा मम्मी वहाँ पे ये खड़े पापा मम्मी ये खड़े, वो एक्चुअली कार्ड का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ना एक आई कार्ड मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक आई कार्ड मिलता है तो जो कि पहन के यहाँ पे एंट्री हो पाएगी आई कार्ड पहनने के बाद ही। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी आपको मिलूंगा मैं थोड़ी देर में, अपना ध्यान रखिएगा एंड खाना पीना चेक करते रहेगा, लंच वंच चेक करते रहेगा। तो मैं थैंक यू। सो
हेलो फ्रेंड्स, ये सब लोग शहरी पैकेजिंग आप देख सकते हो। अब भी हम पुल के आसपास घूम रहे हैं। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और सब बारिश भी है एंड आप देख सकते हो एक ऐसी गंदा पानी है, ये पुल के साइड वाला पानी है, ऐसी गंदा पानी होगा जो कि पुल के वहाँ से पानी गंदा होकर इस साइड आता होगा। मेरे ख्याल से वाला पानी होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पुल का पानी। एंड इसके अलावा जो उस साइड पानी है ये आपका फ्रेश पानी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्रेश पानी है आपका। तो यहाँ पे मच्छी बह के बैठे हैं, मच्छी दिख रहे हैं, दिखाते हैं आपको, कोशिश करता हूँ। ये देखो ऐसे ब्लू कलर है तो मच्छर इतना दिख नहीं रहे, तो मच्छर भी अलग से आके बैठे हैं। एंड ये पानी कैसे इसमें से साफ होके तो यहाँ पे आता होगा मेरे ख्याल से। तो बाकी आपके सामने ही है पूल है एंड पूल के एक्चुअली आस पास अच्छी हवा चाहिए थी, फ्रेश हवा चाहिए थी, सोचा अब आपको दिखा दूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड पीछे तो पीछे पूरा आपका रिसोर्ट है एंड ये पीछे जहाँ पे है ना लाइट जली है तो रिसोर्ट है पूरा। एंड यहाँ पे हमारे होती है ट्रेनिंग, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बताए ना फोटोग्राफर से थोड़ी देर में। सो हेलो फ्रेंड्स, एंड आप जो तो स्विमिंग पूल का टाइमिंग है से 8 से 6 बजे तक का टाइमिंग है यहाँ पे स्विमिंग पूल की टाइमिंग। तो मैं चलता हूँ यहाँ से अपने रूम के तक, फ़ोन थोड़ा चार्ज में लगाता हूँ क्योंकि फ़ोन में रिचार्ज से कम हो रहा था मेरा व्लॉग बना बना के। एंड आपको व्लॉग सब एक साथ ही आने वाले क्योंकि यहाँ पे हम कल भी रुकेंगे थोड़ा सा, तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से घर दिखाता हूँ मतलब है ना पे, मतलब शाम होने पर कैसे यहाँ पे लाइटिंग ऑन हो जाती है लाइटिंग। घरों में ऐसे यहाँ पे लाइटनिंग, घरों में ऐसे लाइटनिंग ऑन हो जाती है, घरों में लाइटनिंग। एंड इस टाइम में आके एंड आपको दिखा होगा, देखो ये है, मैं एक्चुअली मैं इसमें बैठ भी गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो चलो मैं चलता हूँ वापस अपने रूम की तरफ, तो आप ध्यान रखिएगा आप लोग को देखना बिना स्किप के, मिलता थोड़ी में तो टेक केयर सेल। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन आप देख सकते हो। अभी हम आए यहाँ के बड़े से गार्डन में जो कि हम सुबह आए थे तो इतनी लाइट इतनी ब्राइटनेस नहीं थी, अगर देख सकते हो इतनी लाइट इतनी ब्राइटनेस है एंड इतना खूबसूरत लग रहा है आपका गार्डन एंड आपको दिख रहा होगा पीछे। एंड हम यहाँ से पीछे गए थे ये जो गए थे पार्क देखने, और यहाँ पे कुछ साउंड की डिस्टर्बेंस हो रही, मैं तो सर पीछे को आता हूँ ऐसे साउंड की डिस्टर्बेंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रही है। एंड देखो देख सकते हो पीछे हम गए थे यहाँ पे माउंटेन की साइड में गए थे देखने, यहाँ पे भी दिखाया था, फोटो भी दिखाया था। एंड पूरी शाम के टाइम पूरे यहाँ पे होते लाइटिंग देखे तो पूरे यहाँ पे लाइटिंग होती है पूरी यहाँ पे एंड बहुत बेस्ट जगह है। एंड मैं होप करूँ कि आपको यहाँ के मेरे सारे लोग आपको अच्छे लग रहे होंगे एंड अच्छे लगे, तो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, मैं आपको ऐसे बड़े बड़े दोस्त बना के दिखाते रहूँगा। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, अपना ध्यान रखना।